बिलासपुर में रामाधार कश्यप की कृतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तक पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दुर्धर नायक का विमोचन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम बघेल भी शामिल हुए, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। इस मौके पर बघेल ने खाद की कमी, ट्रेनों के कैंसिलेशन पर भी बयान दिया। द्वारा हम खाद की पूर्ति केवल अभी 75% ही की गई है। जितने हम लोगों ने डिमांड किया है उसके 75% ही खाद उपलब्ध कराया गया है। जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोगों की यात्रा के लिए सबसे सस्ता सुविधा थी, उसे भी केंद्र सरकार छीन रही है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक पूर्ण है। कोयले के पूर्ति के नाम से पैसेंजर ट्रेन को बंद करना, ये मैं नहीं समझता हूँ कि एक उचित कदम है। और लंबे समय से बंद किया जाना, आज चलो एक आध दो दिन हो, एक आध सप्ताह हो, समझ आता है, लेकिन महीनों तक के हजारों ट्रेन को रोकना ये कतई उचित नहीं है। गिरफ्तारी करने गए थे और उसको बचाने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है, ये तो दुर्भाग्यजनक बात है। न्यायालय के आदेश को लेकर हम गए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस पास क्या था?